की भक्ति ज्ञान कर्म योग इनसे भी अधिक से है, सबसे अधिक है भक्ति, स्पेशल है। ऐसा नहीं कि नारद कुछ पूर्वाग्रह है उनके पास में, हम जिसको अधिक अच्छा समझते हैं उसको श्रेष्ठतर समझते हैं। जैसे जो हिंदू धर्म वाले हैं वो समझते हैं कि हिंदू धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, ईसाई धर्म निकृष्ट है। ईसाई वाले समझते हैं कि ईसाई धर्म में सब महानता है, हिंदू धर्म इस्लाम धर्म उसमें थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें हैं, हमारे यहाँ सबसे। तो और यहाँ पर नारद बताना चाहते हैं कि ज्ञान कर्म और योग इनसे सबसे श्रेष्ठ है भक्ति। और उनके कुछ तर्क हैं, आर्ग्यूमेंट हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि श्री रामकृष्ण भी कहते हैं कलयुग में नारदिया भक्ति, कलिकाल में आजकल के युग के लिए नारदी भक्ति श्रेष्ठ है। अब ये श्रेष्ठता के कई प्रकार के एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। एक तो है कि साधना की दृष्टि से श्रेष्ठ है भक्ति, जो है वह फल है, वो उसका परिणाम है, जो आप साधना करोगे उसका परिणाम है। ज्ञान कर्म और योग क्या है, वे फल नहीं, वे तो साधन है, भक्ति साध्य है। इस दृष्टि से भक्ति श्रेष्ठ है। और इस पर हमने कुछ विचार किया था, क्या कहा था, स्वामी गीता में कई जगह पर कहा गया तपस्वीभ्यो अधिको योगी, योगीभ्यो भी मतोधिक, कर्मीभ्य चापि तो योगी, तस्मात योगी भवार्जुन। उसके बाद में योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मा, योगियों में भी वो श्रेष्ठ है जिसका मन मुझ में चला गया, यानी भक्ति। और इसके बाद आगे कहते हैं कि चतुर्भुजा भजन्ते माम, उसके बाद कहते हैं तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। ज्ञानी भी चतुर्भुजा, चार प्रकार के लोग भगवान का भजन करते हैं, कौन है, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। और ज्ञानी समझते हैं ज्ञानवान नहीं, वह ज्ञानी जिसमें भक्ति विशेष। इस प्रकार से कई स्थानों पर स्वयं गीता में, भागवत में, याद रखिए भागवत में क्या है, श्रीमद् भागवत में ज्ञान और भक्ति दोनों का सम्मिश्रण, श्रेष्ठ सम्मिश्रण। श्री रामकृष्ण कहते थे कि वह ज्ञान के तेल में पकाया हुआ, ज्ञान के घी में पकाया हुआ, जिस प्रकार उसके बाद में उसको भक्ति के रस में डुबाया, जैसे जलेबी बनाते हैं या कोई स्वीट बनाते हैं, इमरती बनाते हैं, तो पहले उसको तलते हैं और उसके बाद में रस में डुबोते हैं, तो उसमें ज्ञान भी है भक्ति भी। अब इसमें श्रेष्ठ कौन सा है, विवाद करने की आवश्यकता नहीं। जो लोग ज्ञानी हैं उनके जीवन में भक्ति प्रचुर मात्रा में देखी जाती है, ज्ञान और भक्ति का विरोध नहीं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ज्ञान और भक्ति का विरोध है, खास करके रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा वाले लोग तो ज्ञान भक्ति और का विरोध नहीं मानते। मैंने आपको एक दृष्टांत बताया था, संभवतः स्वामी जगदानंद जी का, जगदानंद जी रामकृष्ण मिशन के एक प्रसिद्ध बहुत महान संत हुए हैं, जो अद्वैत वेदांत के प्रकांड विद्वान थे, ऑर्थोडॉक्स टेक्निकली जिसे वेदांत कहते हैं उसे पढ़ाते इत्यादि थे। और वे कहते थे कि मुझको ब्रह्मज्ञान हस्ता मलकवत, जैसे उसका वर्णन भी आता है शास्त्रों में, ज्ञान कैसा होता है, जब ज्ञान हुआ तो वो होता है हस्त में, हाथ में आमलकी, हस्त हाथ में फूल फल रखा हुआ, इतना क्लियर होता है, वो है ज्ञान का इंडिकेशन। सच्चा ज्ञान ऐसा होता है जब व्यक्ति समझता है मैं ब्रह्म हूं, मैं और ब्रह्म एक है, और वो इतना क्लियर होता है जितना हाथ में। कहते थे मुझे ब्रह्म ज्ञान हस्ता मालक हुआ, लेकिन कैसे हुआ है, मां की कृपा से ब्रह्म ज्ञान भक्ति का जोर। मधुसूदन सरस्वती प्रकांड विद्वान थे, अद्वैत वेदांत अद्वैत सिद्धि नामक उनको ग्रंथ लिखा है उन्होंने, लेकिन परम भक्त थी। जब अद्वैत वेदांत को पढ़कर उन्होंने सोचा कि भक्ति के स्कूल्स के विचारों को खंडन करने के लिए भक्ति पढ़ना प्रारंभ किया, तो भक्ति के रस में रसा बोल। और उनकी कई किताबें हैं, उन्होंने भक्ति रसायन करके एक पुस्तक लिखी है,
श्रीमद् भक्ति भक्ति रसायन बड़ी सुंदर पुस्तक है। और एक स्थान पर वे कहते हैं, अद्वैत वीथि पथिकै ही उपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, वयम हम लोग वयम शठेन केनापि हठेन दासी कृता गोप वधु विटे। हम लोग क्या हैं, स्वयं क्या हैं, अद्वैत वीथि पथिकै ही उपास्या, अद्वैत मार्ग में चलने वाले, अद्वैत यानी ज्ञान मार्ग, नेति नेति है, जगत मिथ्या है, सब केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। यह अद्वैत का एक मार्ग है, अद्वैत का वीथि यानी मार्ग, अत्येक वीथि पर चलने वाले पथिक, पथिकों के द्वारा हमारी उपासना की जाती है। हम ऐसे राजा हैं जो पथिक लोग हमारा उपासना करते हैं। और क्या, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, स्वयं का राज्य, परमात्मा आत्मा का राज्य जो है, उसके सिंहासन पर हम दीक्षित हुए हैं, प्रतिष्ठित हुए, यानी अद्वैत के सिंहासन पर प्रतिष्ठित और अद्वैत मार्ग पर चलने वाले, हमारी उपासना करने वाले अद्वैत व्यक्ति, ऐसे राजा हैं हम। हम राजा होते हुए भी हमारी क्या अवस्था है, केनापि शठेन हठेन गोपवधु विटेन दासी कृता, किसी केन, किसी शठ ने, शठ याने धूर्त, शैतान याने जो लोगों को, जिसे कहते हैं ना, जिसको वो बेवकूफ बनाता है, किसी चालाक ने, शठ व्यक्ति जिसे कहते हैं ना, धूर्त व्यक्ति, किसी शठ, जिसे आप ठग भी कहते हैं, किसी शठ ने हठपूर्वक, बलपूर्वक, किसने, और वो भी कैसा है, गोपवधु विटेन, गोपवधुओं के साथ जो फ्लर्ट करता, गोपियों के साथ जो खेला करता था, ऐसे किसी शठ के द्वारा, चालाक के द्वारा, हम लोग, हम जो अद्वैत वेदांत के साम्राज्य के राजा हैं, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, हम लोग दास बना लिए गए, दासी कृता, उसने हम लोगों को दास बना लिया। यह है उनके भक्ति का रस। फिर वो एक जगह कहते हैं कि जब कभी हम निरंजनम अंजन रहित ज्योति, प्रकाशित ज्योति का ध्यान करने बैठते हैं, तब अचानक हमारे मन पर कोई एक बालक, काला कलूटा बालक, वो हमारे मन में आ जाता है। फिर आगे कहते हैं, यानी एक तो ज्योति का ध्यान, निराकार का ध्यान की बात, दूसरे अद्वैत वेदांत के चिंतन की बात, योग और ध्यान की बात कर रहे हैं। कर्मयोग जो है, वो कर्मयोग तो बड़ी इंफीरियर चीज है, कर्मयोग को मानते हैं कि केवल चित्त शुद्धि की वस्तु, वैसे हम लोगों के लिए कर्म तो परम आवश्यक है, उसके बिना हम न तो ज्ञान समझेंगे न भक्ति समझेंगे, और योग करना भी इतना आसान है। तो एक तो अद्वैत वेदांत के बारे में कह रहे हैं, ज्ञानी लोगों की अवस्था है कि वो भक्ति के द्वारा अभिभूत हो जाते हैं, ज्ञान के लिए चित्त की परम, चित्त शुद्धि परम आवश्यक है, और जैसे ही चित्त शुद्ध होता है तो उसमें भक्ति का स्वाभाविक रूप से आगे। तो वो आगे और भी कहते हैं कि अगर कोई योगी निरंजनम निर्गुण ज्योति का चिंतन करे तो करे, लेकिन हमारे लिए तो हमारे हृदय को, आंखों को आनंद देने के लिए तो यमुना के तीर पर जो काला कुछ भाग रहा है, वही हमारे लिए पूर्ण, इसी के लिए उसमें ही हम संग करते हैं। तात्पर्य यह है कि अनेक ज्ञानियों के जीवन में भक्ति भी परम भक्ति देखी गई। श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद में एक विचित्र अंतर था, किसी ने कमेंट किया, बड़ा सुंदर कमेंट किया है, और वो ये कहा है कि श्री रामकृष्ण अंदर से पूर्ण ज्ञानी थे, बाहर से भक्त दिखाई देते, मां 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 करते, लेकिन अंदर पूर्ण ज्ञान
प्रतिष्ठित है। स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण ने जब वे युवक थे तब एक बार श्री रामकृष्ण के पास वे आए और उस समय गोपालेर माँ करके एक श्री रामकृष्ण की भक्त थी, गोपाल की माँ, बंगाली में गोपाल की माँ तो भक्त थी श्री रामकृष्ण की। उनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होते थे। श्री कृष्ण उनके साथ खेलते थे, उनका खाना खाते थे, उनके साथ सोते थे। बड़ा बहुत ही मार्मिक वर्णन है, आप उसको, दो पुस्तकें हैं श्री रामकृष्ण एज वी सॉ हिम उसमें है, और दूसरा श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर लीला प्रसंग, श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, दोनों में उनका बहुत ही मार्मिक वर्णन है। वे बाल विधवा थी और एक मंदिर के प्रांगण में एक कमरे में चुपचाप रहती थी, अपनी साधना करती थी। वे बालकृष्ण की उपासिका थी और धीरे धीरे उपासना करते 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 ये बालकृष्ण जागृत हुए। बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि एक दिन वो बालकृष्ण की उपासना कर रहे थे और श्री रामकृष्ण के पास में भी जाती थी, और श्री रामकृष्ण जैसे ही उनके पास जाती थी तो कहते थे मुझे खाने को दो। तो उनको बड़ा अजीब लगता था कि ये कैसे संत हैं, मैं तो संत से उनके संत हैं तो उनके कुछ उपदेश सुनूंगी, कुछ उनके इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, कुछ करूंगी, ये तो आके हमेशा मुझे खाना ही मांगते। तो एक बार गई, उनका नहीं, उनके पास नहीं गए, फिर भी आकर्षण ऐसा है कि दूसरे दिन चली गई। फिर जब भी जाए श्री रामकृष्ण और कुछ बात नहीं करें, कहे कि तुम्हारे लिए खाने के लिए क्या लाई। कभी कभी वो खाने के लिए कुछ बना के दे जाए, फिर भी लगे कि अरे क्या है, मैं संत के दर्शन करने आती हूँ और ये सब मांगते नहीं जाऊँ। लेकिन आकर्षण से वो एक दिन वो अपने भजन पूजन कर रही थी श्री कृष्ण के विग्रह के सामने कि अचानक उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण उनसे कुछ मांग रहे। बालकृष्ण उनसे कह रहे हैं माँ भूख लगी कुछ दे, बिल्कुल जीवन। और इमीडिएटली उन्होंने देखा कि वो श्री बाल विग्रह जो है श्री कृष्ण श्री रामकृष्ण पर, वो बहुत ऊंची हाई स्पिरिचुअल स्टेट होती है, एक्चुअल विजन और हेलुसिनेशन नहीं। उन्होंने उसको पकड़, उनके हाथ को पकड़ लिया, श्री राम डिसअपीयर हो गए उनके बालकृष्ण। अब वो बालकृष्ण उनके साथ खेले, उनकी गोद में चढ़े, वो गोद में लेके दौड़ी दौड़ी श्री रामकृष्ण के पास, और देखा श्री राम, वो कभी श्री रामकृष्ण के अंदर घुस जावे उसके कभी उससे बाहर आ जावे। और तब से उनको यह कन्विक्शन हो गया, निर्णय हो गया कि ये श्री रामकृष्ण ही बालकृष्ण। इसलिए उनको फिर आगे चल के गोपाल की माँ, गोपाल यानी श्री कृष्ण की माँ, इसलिए करके उनको लोग संबोधन किया। तो इनको जब ये अद्भुत दर्शन होते थे तो एक बार स्वामी विवेकानंद के साथ श्री रामकृष्ण ने उनकी भेंट की, गोपाल की माँ भी वहां पे थी और श्री राम स्वामी विवेकानंद भी आए। और बातचीत में श्री गोपाल की माँ ने कहा कि देखो भाई क्या है ये, मैं सब, और स्वामी विवेकानंद पूर्ण ज्ञान में ज्ञानी, तो उनका रीजन बिल्कुल शार्प रीजन, वो इन सब बातों को मानने वाले नहीं। स्वयं स्वामी विवेक श्री रामकृष्ण के दर्शन इत्यादि होते थे तो वो उनकी हंसी उड़ाया करते कि जैसा आपका मन का भ्रम है, हेलुसिनेशन। और जब गोपाल की माँ ने जो कुछ उनके साथ हो रहा है कि बालकृष्ण मेरे साथ कैसे खुलता है, क्या करता है, सोता है, ये सब करता है, जब उसने सुनाया और कहा कि भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं जानती नहीं, समझती नहीं, भक्ति नहीं जानती, ज्ञान नहीं जानती, धर्म नहीं जानती, ये इसके बारे में तुम क्या कहते। स्वामी विवेकानंद की आंखों में आंसू, माँ जो है बिल्कुल ठीक। और निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या निवेदिता गोपाल की माँ से अत्यंत प्रभावित थी। अंतिम समय में गोपाल की माँ ने उन्हें खूब सेवा की। बड़ा सेंसिटिव, बड़ा सुंदर है हृदय की बातें किस प्रकार की होती हैं, यहाँ पर इसका वर्णन बड़ा सुंदर। तो जो हो, यहाँ भी देखते हैं स्वामी विवेकानंद बाहर से भले ज्ञानी हो लेकिन अंदर से परम। श्री रामकृष्ण बाहर से भक्त दिखाई देते थे, अंदर से क्या, दोनों का एक दूसरे से विरोध नहीं। हमें यहां पर इसे सच पूछा जाए लिटरली नहीं रहना चाहिए,
लेकिन होता यह है कि जो ज्ञानी भी जो होता है, ठीक ठीक अगर ज्ञानी होता है तो आगे चलकर उसके जीवन में भक्ति इसकी इसको जोड़ते हुए कहते हैं कि जब ज्ञान का अंतरंग साधन है भक्ति उपासना, भक्ति के द्वारा मन एकाग्र हो जाता है, उपासना के द्वारा मन एकाग्र हो जाता है और उसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति। अब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद क्या होगा? उसके पहले जो साधन किए थे वो क्या चले जाएंगे? नहीं, वे बाद में उसके लक्षण के रूप में साथ बने रहे। जो व्यक्ति कंटिन्यूअसली खूब साधन करेगा उसके बाद में क्या सब नष्ट हो जाएगा? व्यक्ति ज्ञान अज्ञान के परे, धर्म अधर्म के परे चले जाता है। याद रखें, ज्ञान में धर्म अधर्म, शुभ अशुभ, इनके सब परे चला जाता है। तो क्या उसके बाद में वो खराब आचरण करता है, अनैतिक आचरण करता है? वो नीति अनीति के परे चले जाता है, पर वो क्या नीति अनीति का आचरण करता है? नहीं। क्यों? वो नीति का उसने बहुत दिनों तक, शुभ का, आदर्शों का, वैल्यूज का, भक्ति और मन को एकाग्र करने का, सत्य अहिंसा इत्यादि का खूब आचरण किया और ये आचरण बाद में बना रहता है। इसी प्रकार से भक्ति भी उसके जीवन में बने। तो ये ज्ञान और भक्ति का जो संबंध है उसको बताने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं इस सूत्र के माध्यम से। सच पूछा जाए तो हम लोग न तो ज्ञानी है न भक्त। हम लोगों को साधना करके मन को एकाग्र करना है, चित्त शुद्ध करना है, भगवान को प्रेम करना है, इसी के साथ ही साथ ज्ञान का भी अभ्यास करना है, जगत को मिथ्या सोचना। ज्ञानी और भक्त में एक बात तो कॉमन रहती है और वो ये कि जगत को वे लोग महत्व नहीं देते। ज्ञानी जगत को मिथ्या समझता है और भक्त भगवान के प्रेम में संसार को त्याग देता है। उसके लिए संसार का कोई महत्व नहीं रहता। राबिया से पूछा गया, राबिया कहती हैं कि मुझे भगवान से फुर्सत कहां जो मैं शैतान से दुश्मनी करूं। राबिया कहती हैं कि तुम जो तुम्हारे शत्रु हो उनको नरक दो और जो तुम्हारे मित्र हो उनको स्वर्ग दो, मेरे लिए तुम्ही काफी। स्वर्ग नरक में क्या है, सब संसार ही तो आ गया। शुभ अशुभ जो कर्म फल है उसका एक अनुसार आपको नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। राबिया कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहां तक कि रसूल को जो प्रॉफिट है वो कहती हैं कि कौन तुमको नहीं प्रेम करेगा, लेकिन मुझे भगवान से फुर्सत मिले तब तो तुमसे प्रेम करूं। तो जो लोग भगवान के सच्चे प्रेमी हैं उनके लिए संसार अपने आप त्याग होगा, केवल भगवान का। ज्ञान और भक्ति में केवल इतना अंतर है। ज्ञानी कहता है सोहम, मैं वह, मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, और भक्त कहता है ना हम, मैं नहीं हूं। दोनों में जो ईगो है वो नष्ट हो जाता है। ईगो जो है वो कच्चा अहंकार नहीं रहता। गिरिशचंद्र घोष कहते हैं कि माया स्वामी विवेकानंद को बांधने के लिए आई तो बांध नहीं सकी। क्यों? स्वामी विवेकानंद ने अपने अहंकार को इतना बड़ा किया कि वो ब्रह्म हो गया, इतना बड़ा हो गया कि माया की रस्सी छोटी पड़ गई। और जब माया नाग महाशय को बांधने के लिए आई तो क्या हुआ? नाग महाशय का अहंकार उन्होंने इतना छोटा कर लिया कि माया की डोर के बीच से निकल गई। इतने छोटे कि माया की डोर के बीच से निकल जाए, चाहे कितने भी छोटे करो माया के डोर से। तो ज्ञानी और भक्त में कच्चा अहंकार जिसे कहते हैं वो नहीं रहता, तो पूरी तरह चला जाता। इसलिए दोनों एक प्रकार से ठीक। एक मजेदार किसी ने सुनाया था, कहीं पर लिखा हुआ था दीवार के ऊपर सोहम, सो अहम, मैं वह हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो एक भक्त आया, उसने कहा अरे ये क्या लिखा। उसने उसके आगे दा लिख दिया। क्या हो गया? दासो हम, मैं दास हूं, भगवान सर्वस्व है, मैं दास। जब पहले वाला आया उसने कहा अरे ये क्या कर दिया,
तो उसने आगे फिर एक स लगा दिया, सदा सोहम, सदा सोहम सोहम। फिर भक्त आया, उसने लगा दिया दास दास सोहम। अब ये अंतर क्या है? शब्द का अंतर है, भाव का अंतर विशेष नहीं है। जहां तक संसार का ये अनित्य जगत के निराकरण का प्रश्न है, उसके रिजेक्शन का प्रश्न है भक्त में और ज्ञानी में, दोनों में। हमारा मुख्य उद्देश्य, हमारे साधना का मुख्य अंश होना चाहिए हमें प्रयत्न पूर्वक इस अहंकार को नाश करना है, क्षुद्र अहंकार को, कच्चे अहंकार को, अनराइप ईगो जिसे श्री राम कृष्ण कहते थे, और इस जगत को निगेट करना है, जगत के प्रीति प्रति हमारी प्रीति जो है उसके नाश। और भगवान में ब्रह्म में मन लगाइए या भगवान में मन लगाइए, उसको लगाइए। श्री राम कृष्ण के अनुसार आज के युग के लिए भक्ति श्रेष्ठ, कलिकाल का साधन है भक्ति। और तुलसीदास जी तो बार बार भक्ति की बात करते हैं, और मैंने पिछली बार कहा भी था, संयम नियम फूल, फल हुआ ज्ञान, और हरिपद रति रस, भक्ति रस होने के कारण, ज्ञान भले ही फल होवे लेकिन रस होने के कारण वो सर्वश्रेष्ठ। इस प्रकार से कहते हैं कि भक्ति क्या, साधु कर्म ज्ञान योगभ्य अपि अधिकतरा। और उसके बाद में ये भी हमने देख लिया था कि फल रूपत्वात्, क्योंकि वह फल रूप है। अब मैंने ये पिछली बार यह भी कहा था कि भक्ति को कितना महान बताते हैं। रूप गोस्वामी एक जगह कहते हैं, बड़ा सुंदर है उनका कथन, कि कर्म धर्म योग ज्ञान आदि से आज तक जितने सुख मिले हैं या मिलेंगे, जितने सुख मिले हैं वे भक्ति के विरह में होने वाले एक क्षण के दुख में जो आनंद है उससे भी कम, और भक्ति के मिलन के सुख की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। माँ शारदा कहती थी, भगवान ज्ञान देने, भक्ति देने, मुक्ति देने में नहीं संकोच करते, मुक्ति देना आसान है, भक्ति नहीं देते, भक्ति देने में संकोच करते हैं। क्यों? हम एक तो है कि हम अपने बंधन को काट रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु हमें मुक्त कर दो, ज्ञान के द्वारा मुक्ति होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं फ्रीडम इज द गोल ऑफ लाइफ, लेकिन भक्त मुक्ति नहीं चाहता, वो चिर भगवान के द्वारा बंधा रहना चाहता है। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वो क्या करता है, उल्टा हो जाता है, भगवान उसके द्वारा बंध जाते हैं। गोपियों ने भगवान को बांधा था, यशोदा ने भगवान को बांधा था, भगवान बंध जाते हैं, इसलिए नहीं देते हैं कि बाबा अगर भक्ति इसको मिल गई तो ये बन जाए, मैं बन जाऊं। भगवान योग क्षेम वहन करते हैं अपने भक्तों के लिए, कितना कष्ट है। तो मुक्त हो गया वो तो खैर मुक्त हो गया, कोई बात नहीं। इसलिए जो सच्चे भक्त हैं वो कुछ भी नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते, सायुग जो सालोक के सामित्य शास्त्री इत्यादि जो मुक्तियां हैं वो भी वे नहीं चाहते। तो यहां पर यह बात यहाँ पर कही, फल रूपत्वात्, क्योंकि भक्ति जो है वह फल है, ज्ञान का भी फल है, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। अब आगे चलें, सत्रहवां सूत्र है, ईश्वरस्य अभिमान देशित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च। भक्ति की श्रेष्ठता के का दूसरा कारण बताया गया। पहला कारण कि भक्ति जो है वह फलरूप है,
और दूसरा कारण बताते हैं कि वह ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष और दीनता प्रिय है। ईश्वर को अभिमान से द्वेष है और दीनता प्रिय, इसलिए भी भक्ति श्रेष्ठ। भक्ति हमको दीन बनाती है और यह दीनता बहुत महत्वपूर्ण है। अहंकार ज्ञानी में क्या है, अहंकार की संभावना रहती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, भगवान को नहीं प्रिय, भगवान हो जाना यह नहीं। बहुत प्रसिद्ध है चैतन्य महाप्रभु का वह श्लोक। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अमानिना मान देना कीर्तनीयो सदा हरि ही। बहुत प्रसिद्ध उनका श्लोक है। इस पर स्वामी प्रभुदेव झुक गई, दब गई, फिर उठ जाए, लेकिन वो अम्बल अम्बल देन ए ब्रेड ऑफ ग्लास ब्रिन अपिस नीच, नीचे है ना, नीचा होना, ब्रेड ऑफ ग्रास तृण से भी हमें नीचा हो, और तरो अपि सहिष्णुना, जो वृक्ष है उससे भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। वृक्ष को आप काटिए, उसको पत्थर मारिए, उसका फल तोड़िए, कुछ भी कीजिए, चुपचाप सहन करिए, तरो अपि सहिष्णु, उसके हमें सहिष्णु होना चाहिए। और अमानी बनना है, मान रहित बनना है, हमें मान रहित निराभिमान होना है। मान देना, दूसरे को सम्मान देने वाला, और कीर्तनीयो सदा हरि, भगवान का कीर्तन हमें करना। ये चार वैल्यूज बताई गई हैं। तृण से भी अम्बल, अम्बल देन द ब्रेड ऑफ ग्रास, सेकेंड तरु के वृक्ष के से भी अधिक फॉरबियरिंग, फॉरबियरेंस ह्यूमिलिटी, उसके बाद में lack of ego and giving honor to others, चौथा, और पांचवा है भगवान का सदा भगवान का कीर्तन। ये चैतन्य महाप्रभु ये बार बार कहा करते थे। उनका शिक्षा अष्टक आठ श्लोकों का है, उसमें उन्होंने ये पहला या दूसरा, नहीं पहला नहीं, तीसरा या चौथा श्लोक, और स्वामी ब्रह्मानंद जी इसे बहुत पसंद करते थे। तो ये एक, और ये बात कई जगह पे ईसा मसीह भी कहते हैं, क्रिश्चियन लिटरेचर के अंदर भी है, साम्स में भी आता है, क्रिश्चियन उसमें है कि हिम दैट हैड एन हाई लुक एंड ए प्राउड हार्ट विल नॉट आई सफर, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जीसस क्राइस्ट कहते हैं जो इसका हाई बहुत ऊंचा देखता है और प्राउड हार्ट अहंकार से हृदय भरा हुआ है वो नहीं। प्रोवर्ब्स में है, एवरी वन दैट इज प्राउड इन हार्ट इज एन एबोमिनेशन, एबोमिनेशन टू द लॉर्ड, जो भी अहंकारी है वो भगवान को कलंक जैसा है। पीटर से, सेंट पीटर ने कहा है, गॉड रेजिस्टेस द प्राउड एंड गिवेथ ग्रेस टू द हम्बल, जो विनम्र है उनको भगवान ग्रेस देते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भगवान की कृपा रूपी वर्षा पड़ रही है। अब वर्षा जब पहाड़ पे होती तब क्या होती, उतनी नीचे गिर जाता, लेकिन क्या होता है, नीचे आके जम जाता, जहां नीचा स्थान है वहां पे तो तालाब बनेगा, वहां पर तो पानी जमेगा। इसी प्रकार से जो अहंकारी व्यक्ति है उस पर भगवान की कृपा पड़ी तो वो टिकती नहीं है, वो चली जाती है और नीचे जाकर जहां पर व्यक्ति विनम्र है वहां पर जम। इस प्रकार से भगवान को सर्वत्र अहंकार पसंद नहीं है, पसंद है विनम्रता, और भक्ति विनम्र बनाती है, इसलिए भी इसको भक्ति को कहा है ईश्वरस्य अभिमान द्वेषित्वात्। ईश्वर स्वयं जो है अभिमान को पसंद नहीं करते हैं, वो दैन्य को, दीनता को पसंद करते हैं। इसके आगे कहा गया है, हनुमान जी का दृष्टांत बहुत ही सुंदर है, आप सब जानते हैं, नाम हनुमान जी इतने महान शक्तिशाली थे, लेकिन सबसे विनम्र दीन भाव से भगवान के चरणों में बैठे। और बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है, आया है कि जब हनुमान जी ने जाकर लंका को जला दिया
इसके बाद में दूतों ने, रावण ने दूतों को भेजा कि देखो तो उनके यहाँ पे कौन कौन से बलवान हैं राम की सेना में। तो उन्होंने जाकर सब देखा तो नल नील हैं, अंगद हैं, केसरी हैं, बड़े बड़े लोग अपना बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं ऐसा हूँ, सब अपना शौर दिखा रहे हैं। अलका कह रहा है जो जो तुम्हारा जो जिसने यहाँ लंका जलाई थी, कह रहे वो तो हमने देखा, वो भगवान के चरणों में नहीं जो जिसे बैठा हो। और भगवान हनुमान जी को एक बहुत बड़ा एक वरदान था, आपको मालूम है हनुमान जी को एक श्राप मिला। वो जब बचपन में थे तो बड़े उद्दंड बंदर थे, और ऋषि मुनि जब वो ध्यान करते थे तो ध्यान में उसे बैठे हुए ध्यान में उठा लेते थे, उनको उल्टा कर देते ऐसे, वो बहुत शैतानी करते थे। तो ऋषियों ने उनमें से एक ने श्राप दे दिया कि जा अब तू अपनी, जब तक उसको किसी बताया नहीं जाएगा तब तक तू अपनी शक्ति को भूल जाएगा। तो उनको याद ही नहीं आता था कि वो शक्तिशाली है, वो लगता था कि मुझमें कुछ नहीं है। और इसलिए कितना बड़ा वरदान, उनका अहंकार नाश हुआ। और इसलिए जब समुद्र के किनारे गए सीता जी को खोजते हुए जब वे लोग वहां पर पहुंचे, तब सबने कहा कि भाई मैं तो लांग नहीं सकता, मैं तो लांग नहीं सकता, आधे में जाऊंगा। अंगद ने कहा कि मैं लांग तो सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता। हनुमान जी चुपचाप बैठे, और तब किसी ने शायद जामवंत ने उनको कहा, याद दिलाई कि अरे भाई तुम में तो इतनी शक्ति है इत्यादि इत्यादि। और तब लेकिन हनुमान जी अत्यंत विनम्र, ये भक्ति का लक्षण, जो अपने दास समझता है कि मैं कुछ नहीं हूं, भगवान ही सर्वस्व, और भगवान इसलिए सबसे अधिक हनुमान जी को प्यार, उनकी विनम्रता दीनता के कारण हनुमान जी। तो इसके दृष्टांत रामचरितमानस में आपको जितने चाहें उतने मिल जाएंगे, भागवत में मिल जाएंगे, सर्वत्र मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान विनम्रता पसंद करते हैं। इसलिए और द्वेष उससे अपने अहंकार अभिमान से द्वेष करते हैं, इसलिए भी भक्ति श्रेष्ठ। इसके बाद अगले सूत्र में और कुछ बातें कही गई। यहाँ पर भक्ति की श्रेष्ठता दो बातों में कही गई है, फलरूपत्वात् और ईश्वरस्य अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात्। अब 18वां लीजिए, तस्या ज्ञानमेव साधनम इति एके, तस्याः ज्ञानम एव साधनम इति एके। अगला सूत्र भी ले लें, अन्योन्य आश्रयत्वम इति अन्ये, स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमाराः। अब उसी बात को थोड़ा सा बता रहे हैं, भक्ति के जो विशेषत्व है उसको बताने, क्या कहा है, तस्या ज्ञानमेव साधनम। कुछ लोग एके यानी कुछ लोग, एक लोग क्या कहते हैं कि तस्या यानी इसका भक्ति का ज्ञान साधन है। अभी अपन ने बहुत डिटेल में ज्ञान और भक्ति के संबंध में विचार किया, तो कुछ लोगों का कहना है कि अरे ज्ञान तो साधन है, और ज्ञान का अर्थ यहां ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं, भगवान का ज्ञान, भगवान के प्रति जब हम उनके ऐश्वर्य के बारे में, उनकी लीला के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, भागवत पढ़ा, रामचरितमानस पढ़ा, भगवान राम की लीला के बारे में हमें सब पता चला, तो क्या होगा, उनके प्रति आकर्षण होगा, प्रेम होगा, मन उनकी ओर बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि भगवान का जो ज्ञान है वह भक्ति का साधन, यहां पर वो ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं। वैसे जो श्री राम कृष्ण कहीं कहते हैं कि जो ज्ञानी भी हैं वो भक्ति लेकर रहते हैं, तो स्वयं श्री राम कृष्ण का दृष्टांत है। शंकराचार्य तो ऑफकोर्स ज्ञान का अहंकार लेकर रहे थे, नारद जो है वो भक्ति का अहंकार लेकर रहते हैं। जब सब कुछ प्राप्त हो जाता है फिर भी जो लोग मुक्त हो जाते हैं, तो वो लोग जब कुछ सब कुछ प्राप्त हो गया तब वे अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। लेकिन जो विशेष लोग होते हैं जैसे नारद हैं, सुखदेव, सुखदेव ने ज्ञान का अहंकार रखा था,
नारद ने भक्ति का अहंकार रखा, एक अहंकार रख ले मैं भक्त हूं। सुखदेव ने कहा मैं ज्ञानी हूं, और उस अहंकार को लेकर लोक कल्याण के लिए। तो यहां पर दूसरी बात कही गई है, यहां पर कहा गया है कि भगवान का जो ज्ञान है उससे भक्ति होती है। किसी न किसी प्रकार का ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती, ये मानो यहां पर बताया गया है। कुछ लोग अवश्य ऐसे होते हैं जिनको जन्म से ही भगवान के प्रति भक्ति होती है, प्रेम होता है, ऊर्जिता भक्ति होती है, वह उस बात दूसरी है। लेकिन अधिकांश हम लोगों के लिए भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए अगर श्री राम कृष्ण के प्रति आप भक्ति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो उनके बारे में जितनी अधिक पुस्तकें हों वो पढ़ें, उनके लीला इत्यादि का चिंतन करें ज्यादा से ज्यादा। आजकल तो बहुत सारी किताबें निकल रही हैं, जब आप पढ़ते हैं तो देखेंगे ओहो वो कितने महान, और उनके प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि ज्ञान भक्ति का एक साधन, दूसरों का कहना है अन्योन्य आश्रयत्वम इति अन्य, वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, परस्पर आश्रित हैं। ज्ञान और भक्ति एक दूसरे पर परस्पर आश्रित है। ये परस्पर आश्रय कैसे हैं? अच्छा, थोड़ा सा इसके थोड़ा सा इसको और दूसरे ढंग से समझने का प्रयत्न करें। ज्ञान क्या है? ज्ञान है विचार से संबंधित, इंटेलेक्ट से संबंधित, बुद्धि से, मन बुद्धि जिसे हम कहते हैं, विचार करते हैं हम, ये जगत का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, इसको कहते हैं विचार। आत्मा अमर है, ये शरीर नश्वर है, ये जगत अनित्य है, क्षणभंगुर है, इत्यादि इत्यादि। ये विचार किससे होते हैं? ये बुद्धि के द्वारा, इंटेलेक्ट के द्वारा। और भक्ति किससे होती है? वो हृदय से, जिसे आप मन कहिए या हृदय से। अब इन दोनों का क्या संबंध? एक बड़ी सुंदर घटना है चैतन्य महाप्रभु के जीवन में। चैतन्य महाप्रभु तो महापरम भक्त थे, वैसे वे उनका वे एक दशनामी संप्रदाय के सन्यासी थे। उनका नाम था भारती, श्री चैतन्य भारती। उनके गुरु ने उनका नाम दिया था चैतन्य भारती। उनका पहले का नाम था निमाई, पूर्वाश्रम का नाम था निमाई था, उसके बाद जब सन्यासी हुए तो चैतन्य भारती हुए। जैसे हम लोग रामकृष्ण मिशन के पूरी संप्रदाय के सन्यासी, कुछ लोग सरस्वती, अखंडानंद सरस्वती, या फिर मधुसूदन सरस्वती, फिर गिरी संप्रदाय के सन्यासी। तो ये दशनामी संप्रदाय हैं। शंकराचार्य ने 10 संप्रदायों की, सन्यासियों की संप्रदाय की प्रतिष्ठा की। तो चैतन्य महाप्रभु भारती थे, और एक बार वे बंगाल से काशी आए, दर्शन करने के लिए घूमते हुए जब काशी आए तो यहां पर उनको, यहां पर एक, मुझे याद नहीं आ रहा, एक बहुत बड़े महामंडलेश्वर यहां पर विराज रहे थे। लेकिन चेतन महाप्रभु अत्यंत प्रतिभावान थे, अलग एकांत में रहते थे, भजन इत्यादि करते थे, गंगा स्नान करते थे, इत्यादि सब करते थे। लेकिन उनका प्रसिद्धि हो गई थी, उनकी बातचीत लोग सुनते थे, उनसे बहुत प्रभावित होते थे उनकी प्रतिभा से। तो लोगों ने यह बात उनके पास भी पहुंची, जो जो महामंडलेश्वर थे, नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। तो एक बार साधु भंडारा हुआ तो चैतन्य महाप्रभु भी इसमें गए और अलग से बैठ गए, दूर कोने में जाकर बैठ गए। लेकिन उनको देखते ही लोग तो आकृष्ट हुए, और जो लोग उनसे पहले मिले थे वो फुसफुसाहट करने लगे, और जो अखंड जो मंडलेश्वर थे उनको कहा देखिए ये वही सन्यासी, ये भक्ति भक्ति किया करते हैं, ज्ञान की बात नहीं करते, भक्ति की बात करते। तो उन्होंने उनको कहा अरे महात्मा जी, स्वामी जी, आप आगे आइए, उनको बुलाया। और फिर उन्होंने कहा कि आप तो अद्वैत शंकराचार्य की परंपरा के हैं, आप तो अद्वैत को आपने को स्वीकार करना चाहिए, आप अगर क्या अद्वैत को स्वीकार नहीं करते हो?
शंकराचार्य का मत तो अद्वैत वेदांत है, इसको स्वीकार करते हो कि नहीं करते? उन्हें डायरेक्ट पूछा और सबके सामने, और बड़े बहुत बड़े मंडलेश्वर आचार्य उन्होंने किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अद्वैत के सिद्धांत को कैसे अस्वीकार कर सकते। जब भाष्यकार भगवान भाष्यकार शंकराचार्य ने जब स्वयं कहा है तो अद्वैत को तुम अस्वीकार नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ये भक्ति लेकर क्यों रहे हो, भजन करते रहते हो, क्यों करते रहते हो, ये तो द्वैत है। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, ये अद्वैत वेदांत की बात शंकराचार्य ने कही है बुद्धि से, कि मैं आपको ये बता रहा हूं बुद्धि और हृदय की डिफरेंस की बात। अद्वैत वेदांत की चर्चा उन्होंने बुद्धि से की है, लेकिन आप उनके हृदय से तो पूछिए, शंकराचार्य के हृदय से तो पूछिए। और तब उन्होंने विष्णु शतपति एक प्रसिद्ध स्तोत्र शंकराचार्य ने रचना की है, उसके एक श्लोक को उन्होंने उद्धृत किया। उसमें शंकराचार्य कहते हैं, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न माम की न स्तम सामुद्रो हि तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग। क्या कि सत्य है कि भेद के समाप्त होने पर, किसके भेद, जल और लहरों, जल का और लहर का, जल के ऊपर लहरें हैं, और जब विचार करते हैं तब क्या कहते हैं कि लहरें क्या है, वो तो जल ही है, केवल नाम और रूप उनका भिन्न है, बाकी तो जल ही है। तो जब लहरों और समुद्र का भेद दूर हो जाता है तब भी एक जल रहता है, तब भी कोई ऐसा नहीं कहता कि समुद्र तरंगों का है, कभी नहीं कहते। हम यही कहते हैं कि तरंगे समुद्र। इसी प्रकार से सत्य भेदापगमे, सत्य समाप्त होने पर भी, यानी सत्य है कि भेद के दूर होने के बाद भी, हे नाथ, कौन कह रहे हैं, शंकराचार्य कहते हैं, हे नाथ भगवान को कह रहे हैं कि भेद अपगम होने पर भी, नाथ तवाहम न माम की न स्तम, आप मेरे नहीं है, मैं आपका। कोई कहता नहीं कि अहम ब्रह्मास्मि हो गया उसके बाद, ये कोई नहीं कहता कि मैं भगवान मेरे हैं, मुझ में भगवान है, ऐसा नहीं, दोनों का होना होना चाहिए, नहीं, फिर भी कहते हैं कि मैं भगवान का। जिस प्रकार से समुद्र और लहरों का भेद नष्ट होने पर भी कोई ऐसा नहीं कहता कि समुद्र लहरों का है, सब यही कहते हैं कि लहरों से। तो कहते हैं कि देखिए इनका हृदय की बात तो देखिए, हृदय के बाद में भी वो अंतर बनाए रखना चाहते, ज्ञान का भक्ति का अंतर भी बनाए रखना चाहते, भक्ति का अंतर भी बनाए रखना चाहते। तो तात्पर्य यह है कि ज्ञान और भक्ति जो है एक दूसरे पर आश्रित है, दोनों संबंधित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ज्ञान भक्ति का साधन है, कुछ लोग मानते हैं कि भक्ति ज्ञान का साधन है। यहां नहीं लाया क्योंकि ये भक्ति शास्त्र, और जैसा मैंने कहा मधुसूदन सरस्वती और अद्वैत वेदांत के अनुसार भी प्रारंभ में है कर्म करना पड़ेगा, निष्काम कर्म करना पड़ेगा, पूरा वर्णन किया गया है। पहले है आप निष्काम कर्म कीजिए, जो आपके वर्णाश्रम के कर्म है उनको कीजिए, सकाम कर्मों को त्याग कीजिए और निषिद्ध कर्मों को त्याग कीजिए, पाप कर्म मत कीजिए, और जो काम कर रहे हैं उनको सकाम मत करिए, निष्काम भाव से कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद में उपासना कीजिए, उपासना मन को एकाग्र करने के लिए, योग की साधना कीजिए, भक्ति कीजिए। उपासना का अर्थ है भगवान में मन लगाना, उपासन भगवान के निकट बैठना, यानी अब्रह्मणि ब्रह्म दृष्टिया चिंतनम, भगवान की मूर्ति है उसको ब्रह्म मूर्ति को ब्रह्म भगवान समझकर उसकी उपासना करना, मन को एकाग्र करना, ये साधन है। और ये भक्ति से मन एकाग्र होता है और आसानी से व्यक्ति मन भगवान में लगा सकता है। इसीलिए जिसने उपासना की है, भक्ति की है, उसे ज्ञानी ज्ञान का उत्तम अधिकारी माना जाता है। तोतापुरी महाराज ने जब श्री राम कृष्ण को वहां पर दक्षिणेश्वर के मंदिर में वहां पर चांदनी में बैठे हुए देखा तो देखते ही कहा कि अरे ये तो वेदांत का उत्तम अधिकारी। और श्री रामकृष्ण ने क्या किया था और ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी लोग चाहते कहते हैं कि वो श्रेष्ठ अधिकारी है, यानी भक्ति जो है वो ज्ञान का एक साधन हो गया। और दूसरे कहते हैं कि नहीं, ज्ञान जो है वो भक्ति का साधन। और तीसरा दृष्टिकोण है ज्ञान और भक्ति विरोधी नहीं है, एक दूसरे के परिपूरक।
एक का काम बुद्धि से है और दूसरा हृदय से, और दोनों का विचार हो ना, दोनों का विस्तार हो, दोनों का ही विकास होना चाहिए। केवल ज्ञानी सूक्ष्म ज्ञानी रहे और भक्ति नहीं रहे, ये तो नहीं पसंद करते। तो यहाँ पर कुछ लोग जैसे ये इनका कहना है अन्योन्य आश्रयत्वम इति, और फिर आगे कहते हैं स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमाराः। लेकिन ब्रह्म कुमार यानी सनत सनातन सनंतन, सनत कुमार ये चार जो कुमार थे ब्रह्म कुमार, उनके अनुसार भक्ति जो है वो स्वयं फल रूपा, अभी हमने बताया बात किया था, आगे भी आ चुका है फल रूपत्व। भक्ति जो है वो फल है, ज्ञान का भी फल है, इसलिए श्रेष्ठ भक्ति। उसके बाद में ब्रह्म कुमार का यहाँ पर कहा, ब्रह्म कुमार यानी नारद स्वयं, ब्रह्म के ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्म कुमार, उसके अनुसार भक्ति जो है वह फल रूप है, इसलिए श्रेष्ठ है। अब उसके आगे कहते हैं क्यों, इस भक्ति को यहाँ पर ज्ञान उसको साधन और साध्य दोनों रूप से भी देखा जा सकता है। स्वयं कहें राज गृह भोजन आदिशु तथैव दुष्टत्वात्, जिस प्रकार से हम भोजन करें तो भोजन में फल अपने आप प्राप्त हो जाता है, क्या फल हुआ है हमारे शरीर का पोषण। उसी प्रकार से जब हम भक्ति की साधना करते हैं तो उसके साथ ही साथ हमको फल भी मिलने लगता है। भक्ति में आप भजन कीजिए तो सुख जो है आनंद है तो अपने आप मिल रहा है, उसी समय मिल रहा है, उसके लिए आपको ठहरना नहीं पड़ता, बाद में नहीं, भजन कीजिए भजन का आनंद जो है वो अपने आप। इस प्रकार से यहाँ पर इन श्लोकों में 23वें श्लोक तक यह आएगा, हमने अभी यहाँ पर 21वें श्लोक में देखा यहाँ पर भक्ति की विशेषता महात्म्य, उसका अधिकता जो है ज्ञान योग और कर्म से अधिक है, इसको हमने यहाँ तक देखने पर का प्रयत्न किया। इसके आगे और भी जो पोर्शन है, जैसे कहा तेन न तेन राज परितोष क्षुधा शांतिर्वा, देखने से राजा राजगृह में जाना या भोजन न करने से कुछ नहीं होने वाला, उससे क्षुधा की शांति नहीं होने वाली, या राजा के गृह में नहीं जाने से संतोष नहीं होने वाला। ज्ञान इत्यादि में जब तक फल नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा, लेकिन भक्ति तो फल रूपा ही है, उसी समय आपको तत्काल फल मिलता है, भक्ति का आनंद का सुख का फल। इस प्रकार से यहाँ तक के इसमें हमने 21वें श्लोक सूत्र मंत्र तक देखा है, सूत्र तक भक्ति की विशेषता अन्य मार्गों से बताने का प्रयत्न किया। हम यही आज रोकते हैं, अगली बार इसके आगे का प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतान हम परम भागवतान नमामि।